क्या बोलती पब्लिक। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीडेटर के व्लॉग्स एंड अ गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, कैसे लेकिन मुझे नहीं पता, जो भी है लेकिन हो गए हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यू नो, वेरी वेरी हैप्पी। तो आज का प्लान बता दूं, आज वैसे मैंने लास्ट वाले व्लॉग में कहा था कि मम्मी या फिर हनी आ रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए, तो भाई उनका प्लान हो गया कैंसिल, तो अभी वो नहीं आ रहे। तो भाई 1K की खुशी है ये, 1K की खुशी। तो आज का प्लान ऐसा है कि हनी तो है नहीं, तो उसके कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड हमें उसके कॉलेज मतलब कि जहाँ पे उसका एडमिशन होना है उधर जाना पड़ेगा। उधर एक्चुअली देखना है कि एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हनी भाई ने 12th में तो अच्छे स्कोर्स करे हैं लेकिन JEE में थोड़े से रह गए हैं। अब पता नहीं उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो वही चेक करने के लिए हम लोगों को थोड़ा जाना पड़ेगा गाजियाबाद। हाँ जी, गाजियाबाद जा रहे, गाजियाबाद। पापा भी ड्यूटी है और उनने बोला था कि जब वो ड्यूटी से आए तब तक मैं रेडी रहूं, पूरा घर फिर सेट होना चाहिए, खाने पीने का सब तैयारी होनी चाहिए और चाय फाय रेडी होके सब कुछ तैयार होना चाहिए बस 8-8:30 बजे तक। और अभी टाइमिंग हो रही है 7:10 और अभी मेरा नहाना रह रहा है और जाने क्या क्या रह रहा है। अभी शॉप से पहले ब्रेड लेके आना क्योंकि सैंडविचेस बनाने हैं। ये वाला एरिया भी पूरा एकदम धो दिया है, बड़ी ब्रेड के पैकेट नहीं मिले तो छोटे छोटे ले लिए 10-10 वाले। मैं दुकान से है ना टाइम से पहले पहुंच गया वहाँ पे, अभी है ना वो ब्रेड वाली जो आती है ना वैन वो भी नहीं आई। पैदल पैदल आ जाओ रेलवे स्टेशन। मस्त लग रहा है, एक तो बादल ऊपर से मुजफ्फरनगर का बोर्ड, और वो तिरंगा। अभी रिसेंट में है ना इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां तक, ये तो ऑन टाइम है। बादल, आई हेट स्टेयर्स बट पापा लव स्टेयर्स। बाय बाय। प्लेटफॉर्म पर साइकिल चलाना कानूनी अपराध है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, तो वो वाली जगह से जाना होता है। अभी पहले इसको क्रॉस करेंगे और ऐसे जंगल में से निकलते हुए पटरियों पे, ये वाली लाइन तो सिर्फ खुलती है जब उधर से ट्रेन आती है, और फिर इधर से स्ट्रेट चलेगा, 200 मीटर बाद हमारा घर आ जाएगा। अगर कोई आता है ना भाई, बाय फुट हमारे घर आ सकता है, ना ऑटो की जरूरत, ना साइकिल, ना हमें आने की जरूरत। सबसे बेस्ट फैसिलिटी हमारी यही होगी है कि रेलवे स्टेशन बहुत पास है, और जैसे ही इस पुल के नीचे आ जाओ ना वहां से यहाँ तक, तो इस वाली गली में आ जाना, और तब तक चलना जब तक आगे एक और पुल ना आ जाए। एक रास्ता ये है जहाँ से स्कूटी या गाड़ी से जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और बाय फुट ये वाला रास्ता है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे जब तक वो वाला पुल नहीं आ जाता, वो जो छोटा सा फ्लाईओवर है उधर। भाई बादल कितने सुंदर हैं, और ये वाला घर अंश और छवि का है, आई डोंट नो है कि नहीं अभी वो लोग। और जैसे ये फ्लाईओवर आ जाता है ना, उस गली से निकल के जस्ट गो स्ट्रेट और जिला कारागार में एंट्री हो जाती है। मीट माय न्यू स्टूडेंट वैष्णवी। वैष्णवी हाय कर दो। मैं इस स्केल को लेके आता हूँ, इसको लगता है इसको मारूंगा, भाई डर के भागती है। एंड मैं बोलता हूँ मैं मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ, मेरे को स्केलिंग करनी है, इसके लिए लेके आया हूँ। तो इसकी तो कर दी छुट्टी, फिर मैं आपको बताता हूँ ये आज क्या क्या हुआ। तो हम लोग गए थे काइट, हाँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें हनी का एडमिशन से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करने गए थे गाजियाबाद, और फिर वापस आए थे, और फिर वापस आके पापा ड्यूटी चले गए, मैं थोड़ा साफ सफाई करके क्या नाम है वैष्णवी को पढ़ाया, और फिर अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो अब जो आप देखोगे वो देखोगे नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि मैं इस व्लॉग का एंड ही कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आगे कुछ होगा। एंड आई हैव रीच्ड 1K सब्सक्राइबर्स, इट्स एन ऑनर। ऑब्वियसली यार मैंने मेहनत करी थी, बहुत सारी वीडियोस डाल रखी थी, उनमें से 2-3 हिट हो गई। बहुत लोग बोलना फेक है, घंटा आओ ना कभी यूट्यूब पे, तब पता चलेगा क्या होते हैं सब्सक्राइबर गेन करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जल्द ही मिलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं एंड नहीं होगा, कल का दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ है जिसके वजह से कल भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स। आज डेट है, आज तारीख है, आज दिनांक है
क्या है आज? आज है 18th of August 2022. Nice. तो भाई ऐसा है कि अभी तो मैं उठा हूँ और क्या है कि पापा चले गए, मतलब ड्यूटी से आने वाले हैं, तो जब तक वो आए घर की साफ सफाई करनी है और कुछ नाश्ता टाइप का भी बनाना है, तो पापा के आने से पहले सब कुछ रेडी होना चाहिए, तो अभी के लिए नहीं, बाद में मिलते हैं। सो बैक टू माई बैकग्राउंड एंड स्टूडियो, जिसे हम स्टूडियो भी कह सकते हैं, इस रूम को तो मैं स्टूडियो कहता हूँ, ये इधर ही रिकॉर्ड होती है तो मैं इसको स्टूडियो बोलूंगा, ठीक है। तो कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, जो कि है ब्रो आज है 18 तो कल है 19 और 19 को है हमारे लडुआ का बर्थडे। तो लड्डू का बर्थडे है, तो एक्चुअली ऐसा है कि इस जगह को थोड़ा डेकोरेट करना है, ये जो एरिया है पूरा मंदिर की सफाई होगी, थोड़ा इस चीज को भी हटाना है यहाँ से, फिर ये पूरा बैकग्राउंड सेट करना है। अभी जो मंदिर की साफ सफाई और ये सब चीजें सेट है ना, मैं शाम को करूंगा, अभी दोपहर हो रही है, खाना खा के अभी थोड़ा पढ़ाई करूंगा और कुछ वीडियोस लेक्चर्स अटेंड करने हैं एक दो, और फिर मिलते हैं शाम को वैष्णवी के ट्यूशन आने से पहले, देखते हैं। भाई ये जो जनरल नॉलेज है ना भाई, बहुत डेंजरस चीज है, इट हैज नो एंड, एंडलेस इसलिए क्योंकि अगर आज दिन गुजर गया तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई समिट हुआ होगा या कोई मीटिंग हुई होगी, तो हमें उसकी डेट्स भी याद करनी पड़ती है, कुछ चीजों में हमें मंथ याद करने पड़ते हैं और ईयर याद करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली चीजों में हमें डेट्स याद करनी पड़ती है। और जब हमें डेट्स याद करनी पड़ती है ना भाई, मेरे को अपने कजिन्स के बर्थडे तक याद नहीं रहते, मैं डेट्स को कैसे याद करूं यार। अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री के लिए कोई मतलब कि अच्छा उपाय हो जिससे मुझे आसानी से हिस्ट्री लर्न हो जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई टीचर देख रहा है तो प्लीज मेरे को थोड़ा गाइडेंस दे दो हिस्ट्री पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने 8th क्लास तक की तो हिस्ट्री खत्म कर रखी है, और 9th और 10th में मेरे को हल्का हल्का याद रहता है, नेम्स और वो नहीं, लेकिन इंसिडेंट मोस्टली याद है। छोड़ो पढ़ाई की बातें करूंगा तो आप लोग बोर हो जाते हो, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, अब इतने सब्सक्राइबर्स हैं, देख रहे हैं लोग, तो सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाए। हेल्प से याद आया, एक हेल्पर कर दो, जल्दी से इस वीडियो को है ना शेयर कर दो। हाँ आपसे ही बात करूँ, आप बिल्कुल आप। अभी हो रही ट्यूशन की टाइमिंग, वैष्णवी को ट्यूशन पढ़ा के फिर मंदिर साफ करना है और थोड़ा डेकोरेशन का भी सामान बाहर से लेके आना है। बैठ जाओ आप, मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। और आज क्या करना है, आज क्या करना है बताओ। बताओ। मैंने वो वाला पेंसिल लाया है। अच्छा आपने होमवर्क कर लिया? वैसे होमवर्क फिनिश कर लिया था। अरे वाह मेरे बच्चा, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है? और आपने क्या सीखा आज? आज काउंटिंग सीखी आपने? हाँ। तो 1 2 3 सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, सो डन विद द ट्यूशन। तो अब करनी है मंदिर की सफाई और एकदम क्लीन करके इनको एकदम बढ़िया तरीके से सजाना है, थोड़ा डेकोरेट करना है ताकि कल कृष्ण जन्माष्टमी एकदम धूमधाम से मनाई जाए। हालांकि मम्मी नहीं है लेकिन फिर भी धूमधाम से मनाएंगे, हमारे लडुआ के लिए कोई कमी नहीं रह जाए। तो कल के लिए शॉपिंग हो चुकी है, ये लगेगा वहां पे नीचे की तरफ, और ये कुछ मैं कैंडीज ले आया था, चॉकलेट ले आया था लड्डू के लिए। कल भाई चॉकलेट से बर्थडे नहीं बनेगा तो ऐसे हो कैसे सकता, ये मेरा है कि ये सारा लड्डू का है। खाना तैयार है, डिनर तैयार है, मतलब अब पापा आएंगे खाना खाएंगे और फिर मैं खाना खा के मुंह हाथ धो के फिर मैं लग जाऊंगा इस काम में। हालांकि मेरे बलून्स वाला जो रह रहा है, क्योंकि जो शॉप थी वो बंद थी जहाँ से मेरे को बलून्स लेके आने थे, जो वॉल प्लेन दिख रही है ना इसको पूरा एकदम डेकोरेट करने के लिए बहुत काम है, कुछ आज है कुछ कल है। और हमने ना केक के लिए भी बोला है मिल्क वाला, नॉट दैट ब्रेड वाला नहीं, मिल्क केक वाला, इसको पता नहीं चल जाए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को कल के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट हो ना तो ये जो आने वाला व्लॉग है ना वो जरूर देखना। आई होप सो कल का सेलिब्रेशन आपको काफी अच्छा लगे, जो कि मैं करूंगा, पापा करेंगे, मम्मी और हनी है ही नहीं तो फिर वो कैसे करेंगे, वो वहां पे करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे। पता है ना, मतलब जब बर्थडे आता है भाई किसी का तो एक दिन पहले कितनी एक्साइटमेंट रहती है, कुछ लोगों को नहीं रहती है, वो भाई साहब लोग ही नहीं होते, जिनको रहती है वो होते हैं पीपल। ये भगवान, पीपल का पेड़ नहीं, पीओपाल, PEOPLE, वो होते हैं असली इंसान जिनका बर्थडे से एक दिन पहले एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी इसके फेस पे देख सकते हो।